अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट एडमिशन्स। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में ऐसे तमाम स्टूडेंट जिन्होंने एएसएफ में अप्लाई किया है, फिजिकल और मेडिकल का पास कर लिया है, अब आपका रिटर्न टेस्ट होना है। रिटर्न टेस्ट में आपके पैटर्न क्या होगा, किस तरह की ऑब्जेक्टिव आएंगी, किस किस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव आएंगी, उसके हवाले से कम्प्लीट रहनुमाई करूंगा आपकी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली तमाम तरह एडमिशन की, स्कॉलरशिप की, जॉब्स की अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सोर्स, इसमें अगर हम बात करें आपकी एएसएफ में जो अप्लाई का प्लस है वो आपने कर लिया होगा, मेडिकल और फिजिकल पास कर लिया होगा। आप रिटर्न टेस्ट आपका, आपकी रिटर्न टेस्ट की जो रोल नंबर स्लिप्स है वो नवंबर के एंड पे आ जाएंगी। रिटर्न टेस्ट के लिए पास पेपर मैंने आपसे चैनल पे काफी सारी वीडियो शेयर की हुई है, उनको जाकर चेक कर लें, या तो फिर आप जो है यूट्यूब पर जाकर लिखे एएसएफ टेस्ट प्रिपरेशन स्मार्ट एडमिशन, साथ में स्मार्ट एडमिशन लिख देना, आपको मेरी वीडियो सारी पास पेपर की इसी चैनल पर मिल जाएंगी, तो यूट्यूब पर मिल जाएंगी। अगर हम बात करें इसमें आपका पेपर पैटर्न किस तरह का होगा, 10 एमसीक्यूज आपके इंग्लिश के आएंगे, सबसे पहले 10 एमसीक्यूज, उसमें आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ वॉइस, नरेशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग्स वगैरह इंक्लूड होंगे, 10 एमसीक्यूज ये होगा। सेकंड नंबर पर 10 एमसीक्यूज आपके जनरल नॉलेज की आएगी, उसमें आपके जनरल नॉलेज के इंक्लूडिंग एवरीडे साइंसेस और उसके अलावा करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज भी इंक्लूड होंगे। उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके इस्लामिक स्टडीज के एमसीक्यूज होंगे जो कि 10 एमसीक्यूज होंगे। उसके बाद पाकिस्तान स्टडीज के भी आपके 10 एमसीक्यूज इंक्लूड होंगे। उसके बाद जॉब रिलेटेड मैथमेटिक्स एंड अरिथमेटिक्स मीन एंड आईक्यू बेस्ड आपके 10 एमसीक्यूज होंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपका पेपर पैटर्न होगा, ये आपको मैंने कंप्लीट डिटेल आपसे शेयर कर दिया। टोटल मार्क्स आपके जो टोटल नंबर होंगे वो 50 होंगे और आपके टोटल एमसीक्यूज भी 50 होंगे। टोटल आपको टाइम जो दिया जाएगा वो एक घंटे का 60 मिनट्स का दिया जाएगा। टेस्ट मीडियम आपका एमसीक्यूज बेस होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टेस्ट कंडक्टेड बाय एएसएफ की जानिब से, खुद जो है वो टेस्ट कंडक्ट करेंगे आपका। आरिया मैंने आपको दे दिया, पैटर्न मैंने आपको दे दिया, बाकी तैयारी के हवाले से भी इस चैनल पर वीडियोज मिल जाएंगे, उनको जाकर चेक कर लें और अप्लाई कर लें। इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं फिर बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।